वेलकम बैक। और आगे आगे बढ़ते आपको बताते हैं। देखिए, संजीव मुखिया के कारनामे पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव दोनों पेपर धांधली के उस्ताद हैं। देखिए रिपोर्ट। संजीव मुखिया उर्फ लूटन बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के भूत हाखार गांव का रहने वाला है। संजीव मुखिया पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। संजीव मुखिया पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं। उसके बेटे शिव कुमार को बीपीएससी पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा में पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का, तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग उसको तो धोखा दे रहा है। हम लोग को उसमें के बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है? आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा जी, गांव के प्रति तो ठीक ही रहा, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो उन्हें समझेंगे? सामाजिक तौर पर तो यह गांव के लिए ठीक ही था, लेकिन उनका नाम पेपर निकाल वो तो खैर कम धंधे के लिए था, उस होने न है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी, गांव के वो नौकरी नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करेगा? बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के बाद सबसे बड़ा रोल अतुल वत्स का है। पुलिस को शक है कि अतुल सॉल्वर गैंग का सरगना है और उसने भी कई छात्रों को प्रश्न पत्र ऊंची कीमत पर बेचा। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस को अब अतुल वत्स की तलाश है। पुलिस के अनुसार अतुल भी सॉल्वर गैंग का सदस्य है। अब तक की जानकारी से ये पता लगा है कि अतुल वत्स लड़की के प्यार के चक्कर में धांधली करने लगा। अतुल वत्स मेडिकल की तैयारी करने के दौरान ही एक लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। मेडिकल परीक्षा में वो लड़की पास हो गई, जबकि अतुल फिसड्डी साबित हुआ। यहीं से अतुल वत्स ने पेपर धांधली का धंधा शुरू कर दिया। अतुल की फरारी के बाद अब पुलिस उसके पिता अरुण केसरी से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अरुण केसरी का नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में भी उछला था। वहीं पेपर लीक में अतुल का सबसे बड़ा साझेदार अंशुल सिंह बताया गया है। अतुल और अंशुल मिलकर बिहार में पेपर सेट करते थे। नीट पेपर लीक में रवि अत्री सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा है, क्योंकि इसने जेल से बैठकर सारा खेल किया है। पुलिस जांच में पता लगा है कि रवि अत्री उत्तर प्रदेश की मेरठ की जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला रवि अत्री मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी कर चुका है। कोटा में कोचिंग करने के दिनों में रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया। साल 2007 में रवि अत्री सॉल्वर बना और रेलवे बैंक की परीक्षा में दूसरे की जगह बैठकर पेपर सॉल्व करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अत्री 2022 में मेडिकल एग्जाम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ। बताया ये भी जाता है कि रवि अत्री ने MBBS की थर्ड ईयर तक की पढ़ाई की, लेकिन फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाया। वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देगा भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। ये खूब तकलीफ है रही है, रात तो सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना। भैया नहा धोए के तो ना मर बैठेंगे, मोहन ने धोए धोए के यूँ बैठेंगे, दुनिया यूँ देखेगी मुँह उतर रो रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है, और थोड़े में पढ़े हैं, थोड़े में ये को पोत फेल ना हुए। गलत है ये मामलो, जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो? ये तो खामो खां की बात है, सब ये मतलब फंसाए जा रहे हो, ये तो जबरदस्ती। आप बिहार के अतुल वत्स और अंशुल सिंह इसी रवि अत्री के शागिर्द बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सेंटू और चिंटू जैसे गुर्गों की मदद से पूरे बिहार में पर्चा आउट करवाया। और आइए अब आपको पेपर लीक कांड के चौथे किरदार चिंटू की कुंडली दिखाते हैं। चिंटू को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया है और अब बिहार EOU चिंटू की कुंडली खंगालने में जुट गया है। देखिए, ये
नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू को ईओयू आज पटना लेकर आ गई है। कल झारखंड के देवघर से चिंटू गिरफ्तार किया गया था। चिंटू ने गिरफ्तारी के समय अपना नाम सिंटू बताया था और जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। जब ईओई ने इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि वही चिंटू है जिसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया। चिंटू अपना जुर्म कबूल कर चुका है और ईओयू को बताया कि उसने ही क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाकर छात्रों को दिया था। पूछताछ में चिंटू ने बताया कि उसे रवि यात्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। उन्होंने सिकंदर यादवेंदु एंड कंपनी को भेजा था। सिकंदर यादवेंदु ही इस पूरे मामले में पुलिस के हत्थे लगने वाला किरदार है। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में सिकंदर यादवेंदु 5 मई को पटना के शास्त्री नगर से पकड़ा गया था। पुलिस को सिकंदर की गाड़ी से अभिषेक कुमार का रोल नंबर 15502600012, अनुराग यादव का रोल नंबर 15502411117, शिवानंद कुमार और आयुष राज का भी एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तुरंत सिकंदर के साथ 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के बाद पता लगा कि सिकंदर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के जरिए पेपर सॉल्व के अड्डे का इंतजाम किया था। विजय सिन्हा ने दावा किया है कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने एनएच का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है। प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया उसकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए एनएचआई गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 को बुक किया गया उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा भी है। अब तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ मिलकर पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।